सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सनातन धर्म से लगाव उनके संबंधों में देखा जा सकता है। कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर उनके हरिद्वार प्रवास के दौरान भी दिखा। तो चलिए आपको दिखाते हैं सनातन धर्म के प्रति मोहन भागवत का लगाव। हरिद्वार प्रवास के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन धर्म की तारीफ करते हुए 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की कल्पना की। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और यह हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है तो हम क्या करें। आरएसएस चीफ ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है, अगर वह विरोध ना करते तो हिंदू जागता नहीं। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का प्रयोजन भारत का प्रयोजन है। धर्म के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो ही भारत का उत्थान होगा। मोहन भागवत की बड़ी बातें। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और यह हम सब अपनी आँखों से देखेंगे। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हम हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। इधर शिवसेना ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 15 साल का वादा मत कीजिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि 15 सालों में नहीं 15 दिन में कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले पीओके को जोड़ना होगा, पाकिस्तान को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि किसी ने रोका नहीं है, लेकिन 15 साल का वादा मत करिए। राउत ने आगे कहा कि कश्मीरी पंडित भाइयों की घर वापसी सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए। अखंड भारत का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। दरअसल आज का भारत सीमित भूभाग वाला देश है। बताया जाता है कि भारत कभी बहुत बड़ा भूभाग वाला था। यह सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अखंड भारत में अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल थे। लेकिन कुछ देश काफी पहले भारत से अलग हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश आजादी के वक्त भारत से अलग देश बने। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो 15 साल में भारत को अखंड बनाने की बात कही, जिसको लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।